कुछ समय के लिए, लेकिन अपने देश वापस से लौट रहा हूँ, यानी कि मैं इंडिया आ रहा हूँ। मतलब इसके लिए 40,000 मतलब 3,000 रुपये लिए, और इसको मुल मिला एक साल का मल्टीपल एंट्री टूरिस्ट वीज़ा। गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग, एक वापस से नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। आज वापस से नया दिन है, और सुबह सुबह उठते ही काफ़ी खुशखबरी मिली। सबसे पहली बात तो मैं बोलना चाहूँगा, मैं अपने देश वापस से लौट रहा हूँ कुछ समय के लिए, लेकिन अपने देश वापस से लौट रहा हूँ, यानी कि मैं इंडिया आ रहा हूँ। पूरी ट्रैफिक है, ट्रैफिक क्रॉस करके आपसे बात करता हूँ। कल शाम के आसपास 4 बजे के आसपास मैंने नाश्ते का वीज़ा अप्लाई किया था, इंडिया का ई वीज़ा। भाई साहब बड़ा मस्त इंडिया से वेबसाइट यार, मतलब इसके लिए 40,000 मतलब 3,000 रुपये लिए, और इसको मुल मिला एक साल का मल्टीपल एंट्री टूरिस्ट वीज़ा, वो भी अराउंड 14 घंटे में उन्होंने प्रोसेस कर दिया। सुबह सुबह 8 बजे उन्होंने मुझे मैसेज दे दिया था, पता 15-16 घंटे उन्होंने प्रोसेस कर दिया, और रात को भी भाई मतलब कितना एफिशिएंट लगा मुझे समझम। मैंने बहुत सारे वीज़ा अप्लाई किए, लेकिन इंडिया का जब वीज़ा का जब प्रोसेस था वो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड लगा, काफ़ी ईजी लगा। और डॉक्यूमेंट्स के नाम पर उन्होंने सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट मांगे थे, एक फ़ोटो एंड एक पासपोर्ट। उन्होंने कोई रिटर्न फ्लाइट टिकट नहीं मांगी, कोई होटल बुकिंग नहीं मांगी, और उन्होंने डायरेक्टली उसको एक साल का दिया वीज़ा। हालांकि इसके पास 5 साल का भी ऑप्शन था, 5 साल का वीज़ा मिल जाता है रशियन टूरिस्ट कार्ड जिसके लिए भी वीज़ा अवेलेबल है, लेकिन 5 साल के वीज़ा के लिए आपको आई थिंक 5 साल का पासपोर्ट भी चाहिए होगा। इसका भी जो पासपोर्ट अगले साल एक्सपायर हो रहा है, तो ये 5 साल का अप्लाई नहीं कर पाई, उन्होंने सिर्फ 1 साल का अप्लाई कर लिया। मतलब अगले 1 साल में ये जब चाहे तब इंडिया जा सकती है, इसको आपस से वीज़ा लेने की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब मस्त है यार, 1-5 साल का कौन देता है ई वीज़ा बताओ, इंडिया ही देता है। और इसके अलावा मुझे जितना पता है 5 साल का कोई वीज़ा नहीं देता, वो भी एक दिन में प्रोसेस करके, वो भी कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं लेके। हाउ आर यू फीलिंग, यू गॉट इंडियन वीज़ा, वेरी इजी फॉर यू? आई जस्ट डन फॉर वेरी फास्ट यार, बिकॉज जब मैं रशियन वीज़ा अप्लाई करता हूँ तो लोग आते हैं बड़े बड़े पैसे, 14,000 रुपये का वीज़ा हो गया रशियन वीज़ा। अब तो इंडिया का वीज़ा सिर्फ 3,000 रुपये का, वो भी एक दिन में दे देते हैं, एक दिन भी नहीं होता है। चलो वैसे फ़्लाइट टिकट वगैरह बुक कर रहा था, मैं अगले मतलब कल रात को निकल रहा हूँ इंडिया। मेरा जो वीज़ा है इस्तानबुल का वो एक्सपायर होने वाला है, आई मीन तुर्की का वीज़ा एक्सपायर होने वाला है, तो मैं निकल रहा हूँ यहाँ से इंडिया कल रात की फ़्लाइट है। अभी जस्ट मैं फ़्लाइट वगैरह बुक कर रहा था, और वैक्सीन वगैरह देख रहा था कि क्या इंडिया का क्या नया नया रूल है, एयर सुविधा पे फॉर्म वगैरह डाल रहा था। इसके लिए सिंस जो इसका जिसको इसको जो वैक्सीन लगा रखा है, विच वैक्सीन यू हैव? स्पुतनिक WHO से अप्रूव नहीं है अभी तक, और तो इंडिया भी इसको नहीं मानता कि एक नॉर्मल वैक्सीन है, तो इसका मतलब ये है कि इसको इंडिया आने के लिए चाहिए होगा PCR टेस्ट। और मेरे पास फाइजर वैक्सीन है, तो मुझे नहीं चाहिए होगा फाइजर, इंडिया में एस्ट्राजेनिका है ना, एस्ट्राजेनिका लगा हुआ है, वो भी नहीं चाहिए, कोविड शील्ड वगैरह। तो अब इंडिया ने जो कोविड जो रूल था वो भी हटा दिया, मतलब कोविड PCR का रूल था वो हटा दिया है। अगर आपके पास वैक्सीन है तो आप बिना PCR के इंडिया आ सकते हैं। तो मेरे पास वही वैक्सीन है, फाइजर मेरा था, मेरे बूस्टर भी ले रखा है ऑलरेडी, बूस्टर लिए मुझे 2 महीने हो चुके हैं, तो फिर मैं आ सकता हूँ आराम से इंडिया। वेल मैं इस्तानबुल की छोटी मोटी गलियों से घूम रहा था, शुरू में मैंने काफ़ी लंबा आपसे बात कर लिया अगले कुछ प्लान का। मुझे काफ़ी खुशी हो रही है कि मैं वापस से इंडिया आ रहा हूँ। यहाँ पे बिल्लियाँ बहुत है भाई, ये बोल रही है, चलो आपको बिल्ली दिखा देता हूँ, 1, 2, 3, 4 बिल्लियाँ भाई, यहाँ पे बहुत बिल्लियाँ हैं भाई, 4, 5, 3, 8 बिल्लियाँ यहाँ पे तो ऐसे दिख रही है। मैंने आपको बताया अभी तक कल के वीडियो में कि एक बिल्ली और उधर है, कि इस्तानबुल बिल्लियों का शहर है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बिल्ली हैं। 2 बिल्ली मुझे और दिख रही है भाई, मतलब यहाँ पे 15-16 बिल्ली तो मुझे यहीं पर ही दिख गई, इतनी बिल्ली तो मुझे कभी आज तक नहीं दिखी थी। वेल नास्तिया, आर यू हैप्पी दैट यू गोइंग बैक टू इंडिया? ओ भाई 3 बिल्ली इधर भी और है, व्हाट हैपेंड? आई डोंट से नास्तिया, आर यू हैप्पी दैट यू आर गोइंग टू इंडिया? यू आर हैप्पी? आई एम हैप्पी दैट आई जस्ट इन इंडिया आई फ्राइड नमत नास्तिया चोर निकाली लाइक यू काली लाइक मी
भाई क्योंकि इंडिया का तापमान अभी जा रहा है 45-46 डिग्री सेल्सियस किसी किसी शहर में। दिल्ली का जो तापमान है जब हम लोग लैंड करेंगे उस समय ही 44 डिग्री सेल्सियस रहेगा। इसकी गर्मी से हालत ख़राब तो होने वाली है। वेल चलो अब थोड़ा यहाँ के मैं मेट्रो को दिखाता हूँ, काम की काफ़ी बात हो गई है, थोड़ा मेट्रो जाऊँगा और अपने हॉस्टल जा रहा हूँ कि जो वहाँ पे मैं रह रहा था वहाँ से चेकआउट करके मैं जो हागिया सोफिया अगर नाम मैं गलत सॉरी प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो उस मॉस्क के पास रहने वाला हूँ। एंड आज का दिन है मेरे पास, कल का दिन है, आज मैं बाढ़िया भी जाऊँगा एंड फिर यहाँ से प्रस्थान करेंगे अपने देश के लिए और उसके बाद मैं जा रहा हूँ थाईलैंड। तो भाई तुर्की के मेट्रो में आ गया हूँ। एक्चुअली काइंड ऑफ ये ट्रैम है बट इसको मेट्रो ही कहते हैं यहाँ पर, ऐसा कुछ दिखता है, बड़ा वियर्ड सा सिस्टम है। ये आपको गेट दिख रहा है आपके सामने, लेकिन अगर कोई चाहे तो इधर से भी आ सकता है आराम से। ये गेट किस चीज़ लगाया है समझ में नहीं आ रहा मुझे, ये गेट लगा रखा है, इधर से गाड़ियाँ भी पास हो रही है और ये स्टेशन है इस तरफ का और इस तरफ का, दोनों तरफ का स्टेशन है। वी नीड टू पे नास्टियम हाउ मच वी पेड फॉर वन टिकट 15 मतलब 75 रुपये का एक टिकट था, क्योंकि एक घंटे के लिए वैलिड रहेगा, एक घंटे के लिए आप कहीं भी जा सकते हो। और हमारी ट्रेन आई थिंक इस तरफ आएगी, हमें इस तरफ जाना है, लेकिन बड़ा वियर्ड सिस्टम लगा मुझे, अगर कोई चाहे तो आराम से इधर से आ सकता है। हालांकि पुलिस यहाँ पर है और कैमराज भी लगे हुए हैं बट किसी को आप रोक नहीं सकते। और अगर कोई आ गया इधर से, जैसे ये देखो ये जा रही है वो जा रही है, सारे लोग जा रहे हैं इधर से, किसी को आप रोक तो नहीं सकते। अगर आपने पकड़ भी लिया तो क्या करोगे आप, 15-20 ले रखे जाकर उसको बंदे को जाकर पकड़ोगे कि भाई बंदा कहाँ पे था नहीं था, तो सही है। बड़ा मतलब अजीब सा लगा सिस्टम, जनरली बहुत सारे कंट्रीज़ में तो इस तरह का टिकट रहता भी नहीं है, डायरेक्टली आप चेक कर लेते हैं टिकट जब आप अंदर जाते हो मेट्रो के या ट्रैम के, तो उसके अंदर आप डायरेक्टली टैप कर देते हो टिकट। वेस्ट टिकट या मैं भी करता होगा ऐसा दिखता है भाई यहाँ का टिकट 15 तुर्की लीला का, मतलब 75 रुपये का टिकट है ये और एक घंटे का पास है इसमें, आप फेरी भी ले सकते हो मेट्रो भी ले सकते हो, मतलब एक घंटे में आप कुछ भी ले सकते हो उसमें, ठीक है, इतना महंगा भी नहीं है और उतना सस्ता भी नहीं है। लोग साइकिलिंग भी कर रहे हैं भाई देखो नॉर्मल। तो भाई सब जनता तो भरी पड़ी है, मैं यहाँ पर आया था बस मेट्रो लेके, मेट्रो या ट्रैम जो बोल लो, और यहाँ पे कुत्ते हैं एकदम रोड पे, ट्रैम वाले रोड पे कुत्ते हैं और टूरिस्ट देख लो कितने टूरिस्ट हैं यहाँ पे, यहाँ की कुछ ऐसी ट्रैम दिखती है भाई, बड़ा एकदम चलाने में दिक्कत ही होता होगा इनको। काफ़ी बड़ी ओ इनको कुत्ते का भी देखना होता है कि कुत्ते पे कहीं अटैक नहीं कर देंगे, तो आगे मेरे सामने कुत्ता आता या फिर कुत्ता, बट काफ़ी फास्ट ही है, डर लगता है यार ये सब चीज़ों से, पता नहीं यार, बड़ा एकदम स्ट्रिक्ट वाला माहौल है। छोटी सी रोड है, इस छोटी सी रोड में बस भी चलाते हैं, ये ट्रैम भी चलाते हैं, कुत्ते भी हैं यहाँ पर, लोग भी रोड क्रॉस कर रहे हैं, मतलब सब कुछ है यहाँ पे। हालांकि थोड़ा अभी इस तरफ कहीं ब्लू मास्क है बट मैं अपने हॉस्टल जा रहा हूँ, मेरा हॉस्टल एकदम सेंटर में पड़ा है और 2000 रुपये के आसपास लग रहे हैं दो लोगों के लिए, तो 1000 रुपये पर पर्सन देना पड़ रहा है यहाँ हॉस्टल में। और चलो चलते हैं अपने हॉस्टल की तरफ। पहले भाई मुझे लगा कि इतनी भीड़ क्यों है, फिर मुझे समझ में आया कि भाई अभी भी तो ईद चल ही रहा है तो इसलिए लोग भी बाहर निकल पड़े हुए हैं। ये देख लो भाई हमारे दशहरा वगैरह में भी इतनी भीड़ होती है, सारे लोग बाहर निकल जाते हैं ना कलकत्ता वगैरह में, तो इतनी भीड़ हो जाती है, इसलिए मुझे भीड़ लगी, मुझे लगा इतनी भीड़ क्यों है। और यहीं पे मॉस्क है एक्चुअली, वन मॉस्क इधर है और एक मॉस्क इधर है, इसके कारण भीड़ भी हो सकती है ज़्यादा। भाई साहब जिसने स्पुतनिक वैक्सीन लगवाया था वो कोविड टेस्ट कराई करा रही है तो भाई अपने हॉस्टल में पहुंच चुका हूं, मेरे हॉस्टल का कुछ ऐसा ये डॉर्मेट्री है, यही होता है सस्ता है ये। यू गोइंग टू अप यू टू बेड और इसने अभी जस्ट कोविड टेस्ट कराया, आपने छोटा सा क्लिप देखा ही, मुझे कोविड टेस्ट की जरूरत नहीं इंडिया जाने के लिए क्योंकि मेरे पास वैक्सीन है फाइजर और इसको चाहिए क्योंकि इसके पास स्पुतनिक वैक्सीन है, स्पुतनिक इज नॉट अप्रूव्ड बाय WHO और वॉर की वजह से जो और डिले हो रहा है स्पुतनिक को WHO से परमिशन मिलने में, तो इंडिया उसको अभी अथोराइज नहीं कर रहा है, इंडिया वो नहीं जा सकती बिना स्पुतनिक वैक्सीन, बिना स्पुतनिक वैक्सीन से इंडिया नहीं जा सकती। अभी एयर सुविधा पे फॉर्म डालता हूँ, देखता हूँ क्या बोलते हैं वो स्पुतनिक वैक्सीन के बारे में, बाकी कल इसका अभी सुबह सुबह रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पर इसने लिए 200 तुर्की लिया, मतलब 1000 रुपये के आसपास, 1000 रुपये में आपके घर पे आके कर रही है,
अगर आप एयरपोर्ट वगैरह पे करवाते हो तो आपको लगेंगे 150 तुर्कीस लीरा या 250 तुर्कीस लीरा के आसपास, कंफर्म याद नहीं है लेकिन 150 या 250 लगेंगे, यही दो नंबर था जितना मेरे दिमाग में आ रहा है। तो फिलहाल के लिए अभी मैं जाता हूँ, बहुत सारा वापस से बाहर निकलूंगा, थोड़ा मास्क वगैरह घूमूंगा और आपको अपडेट देता हूँ क्या है नहीं है। तो भाई रात के बज गए होंगे 8 बजने के आस पास है, यहाँ पे थोड़ा अंधेरा हो रहा है, आई होप मुझे सही से देख पा रहे होगी, लेकिन मैं यहाँ पर अभी आ गया था स्ट्रीट में, यहाँ पर काफ़ी लाइटें लगी हुई है, यहीं पे दो मास्क है, ये ब्लू मास्क मेरे पीछे रहा, ये वाला मास्क है। मैं आईफोन से वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ा स्क्रीन पे थोड़ा वो आ रहा होगा, बट बेटर है गोप्रो से, काफ़ी बेटर है। एनीवे अभी मैं अप्लाई कर रहा था थाई पास, क्योंकि भाई साहब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ही मांगते, स्कैन करके दो, और सारे जो डॉक्यूमेंट्स मैंने पढ़े थे PDF में पढ़े थे, फिर मुझे इसको PNG में कन्वर्ट करना पड़ा, ब्ला ब्ला ब्ला, 2 घंटे लग गए मुझे उसी में, इसका अप्लाई करने में, मेरा अप्लाई करने में। वो थाई पास आएगा तो फिर मैं थाईलैंड की फ़्लाइट बुक कर सकता हूँ। मैं थाईलैंड में सोच रहा हूँ कि 4 दिनों के बाद जाऊँ आज से, तो ये है अभी, और कल मैं निकल जाऊँगा तुर्की को छोड़ के। तो भाई इंडियन खाना खाने के लिए गया था, ठीक ठाक खाना आया, और जो बच्चा पैक करवा लिया यहाँ पे, आज काइंड ऑफ लास्ट रात है यहाँ, कल सुबह मैं निकल रहा हूँ इंडिया के लिए। थोड़ा मैं इस एरिया से घूम रहा था, हालांकि कल तुर्की आइसक्रीम जो ट्रिक वाला आइसक्रीम होता है ना, तो उसमें ट्रिक वगैरह करते हैं, वो कल बिल्कुल ट्राई करूँगा, क्योंकि अगर तुर्की आए हो अगर वो ट्राई नहीं कर रहे हो तो फिर तो कुछ किया ही नहीं। हाँ यू नो, छोटी मोटी शॉप्स हैं यहाँ पर, मसाले की शॉप है भाई। कल कोशिश करूँगा कि आपको एक मार्केट भी दिखाऊँ, यहाँ पे एक बड़ा फेमस सा मार्केट है, तुर्की मार्केट, एक लोकल मार्केट भी इजिप्ट की तरफ, देखता हूँ कैसा वहाँ पर रहता है। ऑरेंज जूस वगैरह मिल रहा है यहाँ पे, हमारा हॉस्टल एकदम यहीं पर है, काफ़ी फेमस स्ट्रीट है ये, और यहीं पे दोनों जो फेमस मॉस्क है वहीं पर है। भाई रात का समय है, फिर भी बहुत सारी जनता यहाँ पर जा रही है भाई, ठंडी भी थोड़ा थोड़ा बढ़ते जा रहा है, टेम्परेचर यहीं 12 डिग्री सेल्सियस हो चुका है, ठंडी अभी है भाई, अब बस इंतज़ार इस बात का है कि कल मैं किसी तरह इंडिया पहुंच जाऊं, और ठंडी से थोड़ा मतलब गर्मी को मैं महसूस करूं। पिछले 1 महीने से मैं 1.5 महीने से मतलब इंडिया में अब तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही होगी, यहाँ पे ठंडी से मेरी हालत ख़राब है, यूरोप में हालत ख़राब थी, कुछ स्नो हो रही थी 10-15-20 दिन पहले, यहाँ पर आने के बाद वही हाल है। हालांकि आपको यूरोप की वीडियो बहुत बाद में देखने को मिलेगी, पता नहीं यार, यूरोप में मैंने सिर्फ 4 वीडियो बनाई थी, आपको आने वाले वीडियो में पता चलेगा कि यूरोप में मेरा ट्रैवल में करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। हालांकि ये भी काइंड ऑफ यूरोप ही है, यूरोपियन पार्ट में हूँ मैं अभी, इस्तांबुल के, आई मीन हाँ इस्तांबुल के ही, लेकिन थोड़ा ये बहुत डिफरेंट है, यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा मज़ा आ रहा है कम्पेयर टू यूरोप। ये थोड़ी मोटी स्ट्रीट्स हैं यहाँ पे, या आई थिंक हमारा घर इस तरफ है कहीं, ये भी एक मॉस्क है, क्या शानदार दिख रहा है यहाँ पे मॉस्क। Good morning, guys, and welcome back to my channel. Keep back my back. What in your bag, Namatsubam? Namatsubam? My coat, jacket. Coat? Кошка, кошка. We just stay on the street maybe 3 hours because we can't book ticket. But это меня. I don't have shower 3 days. I don't sleep 3 days. We going to hostel finally wash our clothes. What? What say it more? I'm not blogger. I don't know what say it more. वैसे अगर मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं करते तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी नोवेट्सबम, अब जाके फॉलो कर लेना। फिलहाल के लिए चलता हूँ, इस वीडियो में इतना ही, अस्मित आनिया, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।